अच्छा तो लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? हेलो वर्ल्ड तक हमने कर लिया था। अच्छा आज हमने क्या करना है? आज भी हमने हेलो वर्ल्ड ही करना है। हाँ सही है। ये योर ट्रेंड वाला काम हमने क्या कर लिया था? कल यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड वाले कोड पे आ जाता हूँ वापस मैं। ये है वो हेलो वर्ल्ड का कोड जो हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे जाके किया था? कोड सैंडबॉक्स में। लेकिन अब हमें कहाँ पे करना है ये काम? अब हमें वीएस कोड में ये काम करना है, ठीक है। वीएस कोड में ये काम करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे रिएक्ट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्ट लिखा, ये रिएक्ट की वेबसाइट पे आ गया। गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया तो मुझे कहाँ लेके चला जाएगा? ये गेटिंग स्टार्टेड के डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे रिएक्ट की एक नई ऐप अपने कंप्यूटर में बनाने का तरीका मेंशन हुआ है कि वो कैसे होता है। तो आज की डेट में बस चला जाइए गेटिंग स्टार्टेड में। इंटरनेट बंद हो गया क्या अचानक? आ गया भाई, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड के पेज पे हम आ चुके हैं। अच्छा गेटिंग स्टार्टेड के पेज में क्या चीज़ है? ट्राई रिएक्ट, उसके बाद है लर्न रिएक्ट, स्टे इनफॉर्म्ड, और ये पांच टोटल सेक्शन है। तो हमें कौन से वाले में जाना है? ट्राई रिएक्ट, यानी कि पहला वाला। ये ट्राई रिएक्ट पे मुझे लेकर आ गया। रिएक्ट को चलाने का ऑनलाइन प्ले ग्राउंड्स मौजूद हैं। ऑनलाइन प्ले ग्राउंड कौन कौन से हैं? ये तीनों हैं, ठीक है। हमने कौन सा वाला यूज़ किया था कल? ये दरमियान में जो लिखा था कोड सैंडबॉक्स, ये हमने कर लिया था, ठीक है। ऑनलाइन प्ले ग्राउंड में बाकायदा जो ऐप्स होती हैं वो यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हेलो वर्ल्ड वगैरह कर लें, बस आप छोटी मोटी एग्जांपल्स बना लें, प्ले कर लें, इसलिए होता है। अच्छा क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप, हमने ये वाला काम करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हेन स्टार्टिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट, सिंपल एचटीएमएल पेज विद स्क्रिप्ट टैग माइट स्टिल बी द बेस्ट ऑप्शन, इट ओनली टेक्स अ मिनट टू सेटअप। कह रहा है कि एचटीएमएल के पेज पे ही ना रिएक्ट का सीडीएन लगाओ और रिएक्ट चालू हो गई आपकी चलना। लेकिन हमने ये तरीका भी नहीं करना। कह रहा है एज योर एप्लीकेशन ग्रो यू माइट वॉन्ट टू कंसिडर मोर इंटीग्रेटेड सेटअप, ठीक है। अच्छा वो मोर इंटीग्रेटेड सेटअप क्या है? वो कह रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके ना लर्न उसको करके, तो मैं यहाँ चला गया। अच्छा यहाँ पे जब मैं गया तो क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप का पूरा एक डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टूल चेन होते हैं रिएक्ट के। अब टूल चेन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इनका ऑफिशियल टूल चेन क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम से, ये ऑफिशियल टूल चेन है इनका। उसके अलावा नेक्स्ट जे एस का भी एक टूल चेन है, गैट्सबी का भी एक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला और सबसे ऑफिशियल इनका जो टूल चेन है क्रिएट रिएक्ट ऐप, हम असल में उसको करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप यहाँ नीचे डिस्कस किया हुआ है इन्होंने। क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए आपको अगर रिएक्ट की एक नई एप्लीकेशन बनानी है, पहले तो कोड सैंडबॉक्स में बनाया था, उसमें तो न्यू पे क्लिक करते हैं तो बन जाते हैं पूरा, कुछ भी नहीं करना पड़ता हमें। यहाँ पे हमें क्या करना होता है? ये कमांड लिखनी होती है, ठीक है। ये कमांड यहाँ पे मुझे लिखनी होती है, तो मैं आ जाता हूँ। अच्छा इस फोल्डर में नहीं करता मैं फ़िलहाल, क्या करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस अपने कोड पे वाले में नहीं लिख रहा, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने जाके क्या बोला? टर्मिनल खोल दो। अच्छा टर्मिनल डेस्कटॉप पे, ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया टर्मिनल पे, सही है, डेस्कटॉप पे आ गया। क्या है कमांड यहाँ पे जो लिखनी है मुझे? यहाँ पे जो कमांड मुझे लिखनी है वो है npx, ठीक है, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, इसके बाद ऐप का नाम। npx का मतलब ये होता है कि इसको इंस्टॉल भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा, दोनों काम करेगा साथ साथ। अगर npm करूँगा मैं तो सिर्फ इंस्टॉल करेगा, सही है। लेकिन इसको npm से इंस्टॉल करना प्रोहिबिटेड है, वो ये इसी तरीके से करेंगे तो चलेगा वरना ये चलेगा भी नहीं, ठीक है। npx का मतलब है कि इंस्टॉल, अभी ये क्योंकि ये आपने इंस्टॉल तो नहीं ना किया अभी तक अपनी मशीन में, ये जो चीज़ चला रहे हैं हम ये इंस्टॉल तो नहीं किए। पहले हम जैसे करते थे ना कि भाई हमने कौन सा टूल चेन यूज़ किया भाई दबे से पहले, कोई किया है क्या? नेटलीफाई का टूल चेन यूज़ किया हमने, करेंगे बहुत जल्दी, अभी करेंगे हम, सही है। तो इस तरह के सी एल आई टूल्स होते हैं
जैसे गिट है, गिट हमें यहाँ मिलता है टर्मिनल पे, जीआईडी गिट लिखते हैं, लेकिन वो क्या है पहले इंस्टॉल करना होता है ना, ठीक है। इसी तरह जो भी चीज़ चलानी होती है पहले उसको इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, तो npx लिखेंगे डायरेक्ट चलेगा। अच्छा ऐप का नाम मैं कर देता हूँ हेलो, सही है, और एंटर। तीन चीज़ें लिखी हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हेलो। अच्छा ये हेलो जो है मेरी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है, हेलो मेरी ऐप का नाम है, एंटर किया मैंने। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप गौर करें, हेलो के नाम से फोल्डर बन के आ गया। इसको मैं थोड़ा मार्केट में ले आता हूँ सामने, ठीक है, ये बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, सही है। अभी ये कमांड पूरी आखिर तक रन होगी, सही है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रन होने में। क्रिएट, ये पूरी ऐप एक आपको तैयार करके ला के देगा, तो चलने देते हैं इसको थोड़ा। अभी आज की डेट में चल जाए, मैं तो बोलता हूँ, मैंने थोड़ा लो पावर मोड ना डिसेबल किया ताकि ये जल्दी चले, ठीक है। मैंने अपने कंप्यूटर में जो लो पावर मोड था उसको बंद कर दिया ताकि उसको जितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए सब लेके जल्दी से उसको रन करेंगे। अच्छा ये प्रोसेसर बाय द वे ना यहाँ ऊपर शो हो रहा है मेरा, ये प्रोसेसर भी पूरी तरह यूज़ कर तो नहीं रहा बाय द वे, टाइम क्यों लगा, रोक के उसको दोबारा करता हूँ। मैंने ना कमांड को रोक के वो फोल्डर डिलीट करके दोबारा इसको रन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मुझे लगा था कि शायद मसला हो गया है। हाँ अब सही चलाइए, क्योंकि अब आप देखें इंटरनेट से ना ये कुछ डाउनलोड कर रहा है, ये ग्रीन वाला जो है ना ये डाउनलोडिंग शो कर रहा है यहाँ पर, तो ये अब कुछ डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से, पहले ये सिर्फ ऐसे ही खड़ा हुआ था कुछ भी नहीं कर रहा था। ये हेलो का फोल्डर दोबारा बन चुका है, आ चुका है मेरे पास। अच्छा आपने जैसा कि नोट किया, मैं डेस्कटॉप पे खड़ा होकर मैं बनाता हूँ जब, तो ये खुद अपना फोल्डर क्रिएट करता है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। हम फोल्डर हम क्रिएट करते थे, उसके अंदर जाके हम क्या बनाते थे, index.html, ये हम करते थे, अब ये कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ठीक है, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अब ये खुद ही कर रहा है। और ये इतना टाइम क्यों ले रहा है पता नहीं, नहीं नहीं हर बार नहीं लेता, ये फौरन चलता है जी। Node.js तो होगा ना आपके पास, npx वरना काम नहीं करेगा। Node.js आप सब लोगों के पास इंस्टॉल्ड है, कैसे भला, npcs में इंस्टॉल्ड है, हाँ आपको करना पड़ेगा। अच्छा वैसे सही आपने याद दिला दिया, मैं Node.js की इंस्टॉलेशन बता देता हूँ कैसे होती है। आप Node.js लिखेंगे गूगल पे जाके, ये आ गया Node, ठीक है, ये Node आ गया, इसके अंदर चले जाते हैं Node के। आपने ये LTS जो लिखा हुआ है ना, ये आपने इंस्टॉल करना है। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो ये 16.17 अभी फिलहाल है, जो भी उस वक्त लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला होगा वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास Node.js इंस्टॉल नहीं होगा तो ये npx बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है npx क्या है, npx इज नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इस तरह का कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा जी दोस्त। जिस फोल्डर में आप खड़े हुए होंगे वहीं पे बनेगा ये, मैं अभी डेस्कटॉप पे खड़ा हुआ था तो इसलिए डेस्कटॉप पे बना है। जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको ये काम करना होगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अरे भाई क्या हो गया, चल हाँ वीएस कोड के टर्मिनल में बिल्कुल हो सकता है, अभी हम करते हैं VS Code। पहले मैंने अलग से फोल्डर मैंने इस वजह से बनाया है ताकि वो पूरे प्रोजेक्ट से अभी हट के ना सिर्फ इसको समझ लें, इसलिए अलग से बनाया है मैंने, अदरवाइज इसको मैं उसके अंदर भी चला सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं था। React का एक हेलो वर्ल्ड बन के तैयार हो रहा है, इसको इमेजिन कर लो, इसको इमेजिन ऐसे कर लो कि पहले हम एक फोल्डर बनाते थे और उस फोल्डर में क्या करते थे, हम index.html की फाइल हम बनाते थे,
अब फोल्डर भी ये बनाएगा, index.html की फाइल भी ये बनाएगा, दोनों काम ये करेगा। अब जब बन के तैयार होगा तो देखेंगे उसमें और भी कुछ होगा, दो चार चीज़ें, तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी हम देख लेंगे। यार ये पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है मिला वजह में। परमिशन का इशू आ रहा है क्या चीज़? npx लगाया ना तुमने, npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप, स्पेलिंग चेक कर लो एक दफा, कॉपी पेस्ट किया फिर भी आ रहा है नॉट रिकॉग्नाइज। अभी देख लेता हूँ मैं, तुम्हारे पास आ जाता हूँ। बीच में क्या ये रुका है सब लोगों का? नहीं वो असल में कुछ कर रहा है, वो पीछे बैकग्राउंड में ना कुछ चीजें परफॉर्म कर रहा है वो। अच्छा मेरा तो आगे बढ़ना शुरू हो गया, ये मेरे वाले केस में ना पहले इसने क्या किया, इंटरनेट से ना कुछ चीज़ें डाउनलोड की हैं जो मुझे यहाँ पे ना दिख रही थी ये। अब देखो प्रोसेसर ऊपर गया ना, अब इसने उसको क्या किया, प्रोसेस किया उन चीज़ों को, समझ रहे हो? पहले इंटरनेट से डाउनलोड किया फिर उसको प्रोसेस किया। अच्छा ये हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि बन के तैयार हो चुका है। अच्छा बन के तैयार हो गया तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है CD और हेलो के फोल्डर के अंदर चला गया मैं CD करके। आसान था अभी तक, मुश्किल तो नहीं है कुछ यहाँ पर? क्या किया मैंने, डेस्कटॉप पे आया, क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड, ये कमांड चलाई मैंने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और स्पेस ऐप का नाम, ये जैसे ही रन किया काफ़ी टाइम उसने लगाया लेकिन एक ऐप तैयार करके मुझे दे दी। मैं उस फोल्डर के अंदर चला गया CD करके, सही है? अच्छा अंदर गया, उसको अंदर जाके मैंने कोड स्पेस डॉट किया कि उसको VS कोड में ओपन कर दिया जाए। तो ये मेरा जो हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट था ना ये कहाँ कहाँ पे आ चुका है, ये आ चुका है VS कोड में, सही है? अच्छा अब इसमें क्या क्या फाइलें हैं ज़रा ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है readme, नीचे से शुरू करते हैं। readme जो है वो जस्ट एक फाइल होती है जो GitHub में डिस्प्ले हो जाती है, इसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। package.json ये आप लोग जानते हैं नहीं जानते? package.json नहीं देखा पहले? अरे हाँ सर्वर तो हमने पढ़ा नहीं है ना, हम तो डायरेक्ट रिएक्ट पे हैं। वेल अच्छा package.json में ना जितनी भी लाइब्रेरीज आप इस्तेमाल करेंगे इसमें वो package.json में आती है, सही है? package.json के अंदर आके सेव होती है। रिएक्ट खुद लाइब्रेरी तो है लेकिन जैसे हम HTML का जब कोड लिखते थे तो उसमें लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे ना CDN से, इसमें CDN से नहीं होता, इसमें ऐसे होता है। अच्छा वेल अभी ये फाइलों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? फाइलों को छोड़ देते हैं, अभी हम क्या करते हैं वही हेलो वर्ल्ड जो हमने क्लाउड में किया था कोड सैंडबॉक्स में वही इसमें करते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा उसमें जब SRC खोलते थे अब तो क्या होता था, इसी तरह बहुत सारी फाइलें होती थी, तो सारी फाइलों को मैं कर देता हूँ डिलीट 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 डिलीट। सिर्फ index.js को मैंने छोड़ दिया और बाकी तमाम फाइलों को मैंने डिलीट कर दिया, सही है? यही हमने वहाँ पे भी किया था, index.js के अंदर आके इसका सारा कंटेंट मैंने डिलीट कर दिया, यही किया था वहाँ पे भी हमने। अब आ जाते हैं हम उस आर्टिकल में, और उस आर्टिकल में आके ना हम वो हेलो वर्ल्ड का ये कोड मैंने यहाँ पे लाके इधर पेस्ट कर दिया मैंने, बिल्कुल यही किया था हमने। अच्छा वहाँ पे ये रन हो जाता था ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमें रन इसको करना पड़ेगा। कैसे रन करूँगा मैं, टर्मिनल खोला, इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन किया और मैंने कहा npm start enter। जैसे ही npm start लिखा मैंने तो ये क्या हो गया, अलग से ब्राउज़र विंडो ओपन करके इसने मुझे ये प्रोजेक्ट रन करके दे दिया, ठीक है? नहीं कॉपी पाथ से ये चलेगा भी नहीं, ये चलेगा इसी तरह। हेलो वर्ल्ड के साथ मैंने क्या लिख दिया 1 2 3 और सेव का बटन जैसे ही दबाया ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया, यानी इसका खुद का एक अपना लाइव सर्वर है। अब शायद आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं लाइव सर्वर क्यों नहीं यूज़ करता VS Code में, क्योंकि मुझे उसकी आदत नहीं है, क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती,
वो तो क्लास में आता हूँ मैं HTML पढ़ाता हूँ तो मुझे वो कॉपी पाथ करना पड़ता है, वरना रिएक्ट किए पैसे चलती है। इसमें लाइव सर्विस का अपना है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरे लाइव सर्विस की। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिखूँगा मैं, ये नीचे ना वॉच कर रहा है, देखो कुछ भी लिखूँगा ना मैं, 1, 2, 3 कह के 4 लिखा, और इस जगह को देखना नीचे जो टर्मिनल वाली जगह है, सेव का बटन जैसे ही दबाया उसने फ़ौरन उसको कंपाइल कर दिया, वो चेक करता रहता है, देखता रहता है कि कोई चेंजेस हुई है, फ़ौरन उसको चलाता है। अच्छा, ऑटो सेव होता है लेकिन ऑटो सेव डेवलपर बंद करके रखते हैं, सही है। हाँ, ऑटो सेव के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जब आप असली वाली डेवलपमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा, सही है। बेहतर ये नहीं, अभी अगर आपको लगता है कन्वीनियंट अभी तो आप अभी यूज़ करें उसको, लेकिन मुझे जब मैं डेली लाइफ में डेवलपमेंट करता हूँ, जब मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है समटाइम, अगर ऑटो सेव इनेबल होता है ना जब, तो वो कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिससे मीटर शॉर्ट हो जाता है। हाँ, एक ग्रुप लिख रहा हूँ वो फ़ौरन चल जाता है, फ़ौरन वो फिर मस्ती करता है बिला वजह। ठीक है, तो देखो इसने तो एक्सपीरियंस कर भी लिया, वो तो वो आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे तो अल्टीमेटली आप भी उसको बंद करेंगे। लेकिन हाँ, असल में देखो मसला क्या है, मैं अभी यहाँ पे भी तुम्हें समझाता हूँ ना। जैसे देखो मैंने क्या कुछ कोड लिखा है यहाँ पे, कुछ कोड लिखा है यहाँ पे मजीद मैंने, अब ये जब तक कंपाइल नहीं होगा जब तक मैं इसको कंट्रोल एस नहीं प्रेस करूँगा, जब तक ये कंपाइल नहीं होगा, सही है। देखो अभी यहाँ कंपाइलेशन वाले पार्ट पे देखना, कंट्रोल एस किया फ़ौरन कंपाइल हुआ, अभी तो मेरा छोटा प्रोजेक्ट है ना ये, तो कंपाइलेशन फ़ौरन हो जाती है। जब ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होता है ना, जब इसमें 200 पेज होते हैं, 300 पेज का प्रोजेक्ट होता है, आमतौर पे वेब एप्लीकेशन में पेजेस बहुत सारे होते हैं, अंदर 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 सेटिंग है, अबाउट है, पता नहीं क्या क्या होता है, तो फिर उसको कंपाइल होने पर ना 6-7 सेकेंड भी लगता है समटाइम। अब इमेजिन करो मैं एक कैरेक्टर से ए लिखता हूँ और वो कंपाइल हो जाता है, अब इससे पहले वो कंप्लीट हो मैं बी लिखता हूँ फिर कंपाइल हो जाता है, तो कितना मीटर शॉर्ट होगा। वो प्रोसेसर आपका हर वक्त छत से ही लगा रहेगा और आपका सिस्टम ऐसा लगेगा पेंटियम 2 पे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बंद रखता हूँ मैं भी और सब लोग बंद रखते हैं, ठीक है। मैं जो भी चेंजेस करता रहा हूँ, कुछ भी करता रहा हूँ, जब तक मैं कंट्रोल एस नहीं करूँगा वो सेव नहीं होगा और ना वो कंपाइल होगा। तो ये कंट्रोल एक अपने हाथ में फील होता है, जब कंट्रोल एस से सेव करते हैं ना तो फील होता है कि अच्छा है कंट्रोल मेरे ही हाथ में, वरना लगता है सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चलो ये तो एक साइट की बात हो गई, अब ये भाई मेरी ये वेबसाइट बन के रेडी हो गई। अच्छा भाई, जब एक लास्ट क्लास में मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था, मुझे याद पड़ रहा है क्या था वो असाइनमेंट, यार मैं असाइनमेंट मैंने ये देना था आपको लास्ट क्लास में कि इस रिएक्ट ये जो डिव लिखा हुआ है ना इसमें जो 5 पॉइंट है वो करने के बाद अपने CV बनानी थी रिएक्ट में, मैं भूल गया था, अभी करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, हैं हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, 10-15 मिनट ले लेगा, अभी तो है हमारे पास 1.5 घंटा है, अभी 1.5 घंटा है, तो 10 मिनट का टॉपिक रह गया मेरा मजीद, वो मैं ख़त्म करता हूँ और फिर ये सब मिलके करते हैं लोग। अच्छा, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है, सब ओके है। इसके अंदर मैं छोटी सी एक CSS की फाइल भी बना लेता हूँ जो हमने वहाँ पर बनाई थी, मैंने कहा index.css एंटर, ठीक है, और इस CSS में मैंने क्या कहा .red, मैंने कहा कलर रेड, ठीक है, फिर मैंने कहा भाई .green, ठीक है, और मैंने कहा कलर ग्रीन, तो मैंने दो क्लासेस भी बना ली। मैंने यहाँ पे आके बोला इसको कि क्या करना होगा आपको, एक H1 भी बना दो यहाँ पे, सही है, मैंने कहा हेडिंग 1, और इस पर मैंने क्या लगा दी क्लास, क्लास कैसे लगाते हैं हम, क्लास नेम करके लगाते हैं, तो ये क्लास नेम करके मैंने क्लास लगा दी। यहाँ पे ये अपडेट भी होता जा रहा है फ़ौरन, वही ग्रीन क्यों नहीं हुआ, अच्छा CSS को इम्पोर्ट नहीं किया मैंने, सही है, CSS को इम्पोर्ट नहीं किया इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा, index.css ये हो गया भाई रेड, सही है, रेड लगाया था रेड हो गया, ग्रीन लगाऊंगा तो ग्रीन भी हो जाएगा, ठीक है। एक हेडिंग मैंने और लगा दी, इसको नाम दिया हेडिंग 2 का, इस पर नाम दे दिया ग्रीन, राइट, और
ठीक है जी, तो ये मेरा कोड है, इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए, क्योंकि ये काम कल की क्लास में ये सब चीज़ें हम पहले ही कर चुके थे। अच्छा, ये मेरे पास दो हेडिंग आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये मेरी एक ऐप तैयार हो गई है बनके। अच्छा, अब आपको क्या करना है अभी इसी वक्त 10 मिनट के अंदर बैठ कर। अच्छा, इसके अंदर अगर एक चीज़ किसी ने ट्राई की हो, अगर किसी ने एक चीज़ इसमें ट्राई की हो कि ये एक डिव है, इसके बाद अगर आप एक और डिव बनाएंगे तो ये एरर दे देता है, सही है? तो ये चीज़ आप सब लोगों को पता है कि ये एक डिव होगी, उसके अंदर ही होगा जो भी कुछ होना है, ठीक है? एक डिव होगी, उसके अंदर ही होगा, तो पूरा जो सीवी है ना आपका, वो इसी डिव में बनेगा। डिव के अंदर डिव जितने मर्जी बनाते चले जाओ, ठीक है? पेरेंट लेकिन एक पेरेंट होगा, ठीक है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सीवी बनाते हुए इशू आएगा, कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे कैसे आपने डिव बनाया हुआ है, अब एक डिव बनाया हुआ है आपने ये, अब इसके नीचे का जो कोड होगा ना, ये एरर देगा आपको, ये बोलेगा भाई ये तो समझ में ही नहीं आ रहा मेरे क्या है, सही है? फिलहाल आपको ऐसे करके बनाना है। हाँ, तो फिलहाल आपको ऐसे करके बनाना है। इस डिव को भी क्लास आप चाहें तो दे सकते हैं, तो इस पूरे डिव के अंदर आप पूरी सी वी बना सकते हैं ना अपनी, जो बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट था, वही सारे टैग लगे यहाँ रख दो, क्लास की जगह क्लास नेम हो जाएगा, तो पूरी सीवी मेरी तैयार हो गई। जो सीएसएस है वो सीएसएस की फाइल में चली जाएगी। अब मसला ये रह गया इसको होस्ट करने का। एचटीएमएल की फाइल को सिंपल हम गिटहब पेजेस में होस्ट कर देते थे, इसको भी हम गिटहब पेजेस में होस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस दफा क्या करेंगे, हम गिटहब पेजेस को यूज नहीं करेंगे, अब हम चाहते हैं कोई दूसरी सर्विस यूज करें, ठीक है? बहुत यूज कर लिया गिटहब पेजेस जी, अभी दे रहा हूँ टाइम, दे रहा हूँ अभी, ये मत कर, 0% नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो ना, तुम लगा रहने दो, ठीक है? उसको छोड़ दो, लगा रहने दो, मैं अभी आपको टाइम दूंगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आके देख लूँगा वहाँ, अभी उसको छोड़ दो, यहाँ तवज्जो दो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, ठीक है? तो CSS जो होगी वो CSS में चली गई, जितने टैग्स हैं वो इस डिव के अंदर आ जाएंगे, तो ये आपकी CV पूरी तैयार हो गई। अब तैयार करने के बाद आपको इसको कहाँ होस्ट करना है, Netlify पे होस्ट करेंगे हम इस बार। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, Firebase होस्टिंग है, सर्ज है, और GitHub पेजेस तो हम यूज़ कर ही चुके हैं, तीन ये है, इस तरह फ्री और भी 10-12 हैं, लेकिन हम Netlify यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी सर्वर भी पढ़ना है आगे, तो सर्वर जो है वो हरिको पे हम करते थे पहले, हरिको ने फ्री ट्रेल बंद कर दिया, तो उसकी जगह अब Netlify है, तो Netlify पे होस्ट करते हैं ताकि कल को सर्वर भी वहीं पर ही बना लेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पर होगा, ठीक है? तो ये एक रीज़न है, वैसे भी हमने कोई दूसरा एक होस्टिंग देखना ही था, GitHub पेजेस जो है उसके अलावा कोई एक हमने और देखना था, तो ये Netlify देख लेते हैं। अच्छा, Netlify पे कैसे होगा भाई होस्ट? आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, Netlify के ऊपर अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा, Netlify.com पे जाएंगे आप, ठीक है? और ये साइनअप मेरा, क्योंकि साइनअप पहले से हुआ हुआ है, आप सब लोगों को साइनअप इस पर करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, साइन अप होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी, राइट? सही है, यहाँ पे आप अगर और करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, साइट्स, मैंने साइट पे क्लिक कर दिया, मेरे पास एक साइट जो है ये लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड न्यू 1 2 3, ये एक साइट मेरे पास पहले से डिप्लॉय हुई भी है इस पर। अब मैंने क्या करना है, एड अ न्यू साइट, ठीक है? एड एन 1 2 3, एड ए न्यू साइट, लेकिन हम यहाँ से डिप्लॉय नहीं करेंगे, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, पूरी फाइल उठा के ड्रैग ड्रॉप करें, डिप्लॉय हो जाता है, लेकिन वो बेवकूफ़ी की बात है, डेवलपर क्या करता है, इस तरह से नहीं करता, जो प्रोफेशनल वे है इस पर डिप्लॉय करने का, हम वो यूज़ करेंगे। वो क्या है, वो है Netlify CLI, ठीक है? Netlify CLI जो है हम वो इंस्टॉल करेंगे। वो कैसे इंस्टॉल होगी बता देता हूँ अभी। अच्छा, ये Netlify CLI की मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर ली है, खुल गया भाई, क्या हो रहा है, पता नहीं कौन सा चल रहा है, SMIT मैनेजर ऑफिस वाला, पता नहीं मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, वो तो गया कनेक्ट वैसे। अच्छा, ये खुल गया, कौन सा वाला,
गेट स्टार्टेड विद नेटलीफाई सी एल आई. नेटलीफाई सी एल आई को इंस्टॉल करने की जो कमांड है वो ये है. ठीक है, तो मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके क्या करता हूँ अपने पास में या टर्मिनल पे कहीं पे भी खोल, इसको टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन करके इस पर मैंने ये कमांड रन कर दी. इससे क्या होगा, अच्छा मुझे सूडो भी लगाना था इसमें, क्योंकि मैक पे ना और लिनक्स में आपको सूडो लगाना पड़ता है कोई भी चीज़ अगर ग्लोबली एज अ एडमिनिस्ट्रेटर समझ लो. नहीं, विंडोज़ पे आपको सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है. विंडोज़ पे अगर एरर देता है आपको ये इंस्टॉलेशन में, तो आप क्या करेंगे, सी एम डी को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे, तो ये सेम काम हो जाएगा फिर आपको. तो ये मैंने इंस्टॉल कर ली सी एल आई अपने पास. अच्छा, ये इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पर चलाना पड़ेगा नेटलीफाई लॉगिन. क्या करना होगा, नेटलीफाई लॉगिन करना होगा आपके उसके ऊपर. अच्छा, तो कर लेते हैं नेटलीफाई लॉगिन. अच्छा, ये नेटलीफाई लॉगिन सिर्फ आपको एक दफ़ा करना है, मेरा तो वैसे ऑलरेडी हुआ हुआ है लॉगिन. अच्छा, सूडो इसमें भी मुझे लगाना पड़ेगा, सही है, सूडो के बगैर ये काम नहीं करना है. सही है, मैंने नेटलीफाई लॉगिन चलाया ना, तो इसको कह रहा है कि ऑलरेडी लॉग्ड इन. आपके केस में क्या होगा, जब आप नेटलीफाई लॉगिन चलाएंगे तो ये ब्राउजर में क्या खोलेगा, वो लॉगिन विथ वाला पेज नहीं होता, ऑथराइज का बटन आ रहा होता है, सही है, वो वाला पेज खोलेगा, आप उसको ओके करेंगे तो वो हो जाएगा. पहली दफ़ा करना होता है, उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं होती है. अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया, लॉगिन हो गया, इसको कट कर दिया मैंने. कट करके मैं कहाँ आ गया, वापस अपने प्रोजेक्ट में आ गया. यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको चलाऊँगा, इसको रोक दूँगा पहले तो जो चल रहा है, उसके बाद लिखूँगा npm run build enter. npm run build करने से ना यहाँ पे एक नया फोल्डर बन के आएगा इस जगह पे, जिसका नाम है build. एक नया फोल्डर यहाँ पे बन कर आया है जिसका नाम क्या है, बिल्ड. ठीक है, ये बन गया, कंप्लीट हो गया npm run build. उसके बाद मैं बोलूँगा netlify deploy माइनस माइनस prod prod एंटर. अच्छा, sudo मुझे इसमें भी लगाना पड़ेगा, सही है, sudo नहीं लगाया इसलिए आ रहा हूँ. अच्छा, तो मैंने क्या लिखा है इसके ऊपर आके, नेटलीफाई डिप्लॉय लिखा मैंने. तो ये मुझसे सवाल पूछ रहा है कि लिंक दिस डायरेक्टरी टू एन एग्जिस्टिंग साइट, क्योंकि मेरे पास एक साइट पहले से भी बनी हुई है नेटलीफाई पे, और क्रिएट अ न्यू साइट. तो मैं एरो की से ऊपर नीचे करके उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए. तो मैं नीचे वाले को जाके एरो की से नीचे जाके और क्रिएट एंड कन्फिगर अ न्यू साइट पे एंटर कर देता हूँ. जी नहीं, अभी फ़िलहाल ये जो तरीका बता रहा हूँ मैं इसको समझें, गिटहब से भी कनेक्शन बन जाता है इसका, लेकिन फ़िलहाल हम अभी ये तरीका पहले सीख लेते हैं. वन क्लिक डिप्लॉय का भी ऑप्शन इनके पास है, वो हम इंशाल्लाह बाद में मौका मिला तो डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अभी हम इसको सी एल आई के ज़रिए डिप्लॉय कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि गिटहब पेजेस में सी एल आई मौजूद ही नहीं है. सी एल आई नहीं होता उसके अंदर ना गिटहब पेजेस में. ठीक है, यही वजह है कि गिटहब पेजेस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लॉइंग स्टैटिक साइट्स. ठीक है, फ्री है, वो फ्री वाला ऐसे ही चलता है फारन, ये पेड है. अच्छा, पेड का मतलब है शुरू में कुछ फ्री है, बाद में पेड है. तो अभी हम फ्री वाला कर रहे हैं, लेकिन है ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, तो इसलिए इन्होंने सी एल आई वगैरह बना के दिया था. तो सी एल आई हम पहले सीख लेते हैं, मौका मिला तो वन क्लिक डिप्लॉय को भी डिस्कवर कर लेंगे. अच्छा, मैंने उसको बता दिया कि भाई न्यू साइट. अब इसने पूछा कौन सी टीम में डिप्लॉय करना है. नेटलीफाई के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से है कि एक अकाउंट होता है, उसके अंदर टीम होती है, और टीम के अंदर वेबसाइट्स होती हैं. तो जब आप साइन अप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एक टीम बना के दे देता है, ये वही टीम शो कर रहा है, एम एन जमाम मलिक टीम. मैंने कहा एंटर भाई, सही है, इसी टीम में डिप्लॉय करना है. अब कह रहा है कि साइट का नाम बताया, कि क्या नाम रखना चाहते हैं. ठीक है, साइट का नाम क्या रखना चाहते हैं, क्योंकि जो नाम रखूँगा वो उसके बाद डॉट नेटलीफाई डॉट ऐसे करके आएगा. अच्छा, इस नाम में ना अवेलेबिलिटी का इशू है, आप ऐसा नाम लिखेंगे ना जो अवेलेबल नहीं है तो ये एरर दे देगा, मना कर देगा, फिर आपको दूसरा नाम. तो मैं ये नाम रखना चाहता हूँ हेलो, एंटर किया मैंने. अब ये कह रहा है कि भाई ये नाम तो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, हेलो क्या क्या कुछ 1 2 3 लगा दूंगा, हेलो रिएक्ट 1 2 3 एंटर. ठीक है, तो ये अवेलेबल था, हेलो रिएक्ट 1 2 3 अवेलेबल था.
चल गया भाई, आगे बढ़ गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी है जिसमें आपका, जिसको आप पब्लिश करना चाहते हैं। तो ये वाली जो डायरेक्टरी बनी है ना बिल्ड, ये है मेरी वो डायरेक्टरी जिसको मैंने पब्लिश करना है। मैंने कहा /build बिल्ड और एंटर, सही है। अब ये हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी ये पब्लिश कर रहा है उसको, ठीक है। ये जो लास्ट वाला यूआरएल है ना, वेबसाइट यूआरएल, ये मेरे वेबसाइट का यूआरएल है। मैं इस पे जाता हूँ और कंट्रोल क्लिक दबाता हूँ, ये मुझे खोल के दिखा देगा, ठीक है। हाँ, ये आ गया यूआरएल। अच्छा, एक बार मैंने डिप्लॉय कर दिया, मुझे इसमें चेंजेस करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? पहले तो आके चेंजेस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके बोला कि सम न्यू चेंजेस कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, सम न्यू चेंजेस करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे npm रन बिल्ड लाजमी चलाना पड़ेगा दोबारा से। अगर मैं वो नहीं चलाऊंगा और डिप्लॉय कर दूंगा तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। npm रन बिल्ड, ठीक है, npm रन बिल्ड दोबारा रन करूंगा मैं, जिससे क्या होगा, जो मेरी रिएक्ट की पूरी ऐप है ना, क्योंकि रिएक्ट लिखा जाता है common.js में, common.js ब्राउजर में डायरेक्ट चलती वलती है नहीं, तो रिएक्ट में जो कुछ भी लिखा है ना उसको प्लेन html में कन्वर्ट किया जाता है। ये वो कन्वर्जन का प्रोसेस इससे होता है npm रन बिल्ड। तो वो प्लेन html css बन के कहाँ जाता है? ये बिल्ड के फोल्डर में जाता है, ठीक हो गया। अभी हम इसको एक एक करके डिस्कवर भी करेंगे, इस पूरे फोल्डर में क्या क्या फाइलें हैं, हर फाइल का काम क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन सी फाइल हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़, तो ये हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के अंदर हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, तो मैंने सम न्यू चेंजेस कहा, मैंने कहा npm रन बिल्ड, और npm रन बिल्ड के बाद मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा netlify deploy --- production, सही है। prod prod का मतलब production। जैसे ही मैंने ये production बोला इसको, तो इसने मुझसे क्या पूछा, भाई एक मिनट, ये गलत कर दिया मैंने, ये मुझसे पाथ पूछेगा, सही है, कि कौन सा फोल्डर डिप्लॉय करना है। अच्छा, देखो मैंने दोबारा ये लिखा ना प्रोडक्शन, तो इसने मुझसे क्या पूछा, पब्लिश डायरेक्टरी दोबारा पूछा। ये मुझसे हर दफा पूछेगा पब्लिश, तो मैंने कहा /build बिल्ड और एंटर, हो गया। ये वही वेबसाइट है जो अभी अभी डिप्लॉय की हमने, इसको रिफ्रेश किया मैंने, ये चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, सही है। अच्छा, आप करना क्या है आपको, आपको ये करना है कि ये तमाम का तमाम कोड ये कहाँ पे कर रहे होंगे आप, ये गिटहब के ऊपर आप एक रिपोजिटरी बनाएंगे एम्प्टी, उसको क्लोन करेंगे, उसके अंदर आप ये काम करेंगे, उसको वापस पुश करेंगे, ये सारा कोड पुश हो गया गिटहब में, साइड में अबाउट में आपने ये URL लगा देना जो होस्टिंग ने आपको दिया, जल्दी से ये काम कर लें। नहीं चल रहा। अच्छा, जिस जिसके पास एरर आ रहा है मैं आके देख लेता हूँ कि क्या एरर है, वो खोलो ना, टास्क मैनेजर खोलो, बता देगा कि वो कुछ कर रहा है पीछे या नहीं कर रहा, ठीक है। समझ में आ गया ना, हमें CLI से, क्रिएट रिएक्ट की CLI से एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें CV बिल्ड करनी है अपनी, उसको netlify पे डिप्लॉय करना है, और वो तमाम का तमाम कोड गिटहब में पुश करके मुझे दिखाना है, ठीक है। चलो,